एक कहानी पढ़ रही हूं। आशा है कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। मेरी इस कहानी का शीर्षक है दुखदाई अनोखा प्रकाश। धनतेरस के दिन रात को नवल जी जगह जगह लगे जाम के कारण देर से घर पहुंचे तो पत्नी तनु गुस्से में भरी गेट पर खड़ी थी। उन्होंने नाराजगी का कारण पूछा तो वह तमक कर बोली, एक तो पहले देर से आए हो और फिर कारण भी पूछ रहे हो कि क्या बात है। आज धनतेरस है, अभी बाजार चलना पड़ेगा, बर्तन पटाखे और लक्ष्मी पूजा का सामान भी लाना है। बर्तन तो पहले ही घर में बहुत है और पटाखे तो खतरे की घंटी है, इसलिए सिर्फ फुलझड़ी और पूजा का सामान ही लाना है। चलो चलते हैं। अजी आज के दिन बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। अपने पड़ोसी शर्मा जी तो बहुत सारे बर्तन और तरह तरह के पटाखे बम लाए हैं, क्या हम उनसे गए गुजरे हैं? पत्नी ने तुनकते हुए कहा, हमें किसी से होड़ नहीं करनी। यदि नहीं मानती हो तो शगुन के लिए 2 चम्मच ले आएंगे, कहते हुए वे स्कूटर लेकर चल दिए। पीछे बैठी पत्नी बताने लगी, शर्मा जी बर्तनों का पूरा सेट, सैकड़ों रुपए के पटाखे बम और फूलझड़ी लाए हैं। वे जरूर ऊपरी कमाई करते हैं, तभी तो क्लर्क होकर भी खूब खर्चा करते हैं। आपने ही ईमानदारी का ठेका ले रखा है। हाँ, मुझे तो ऊपरी कमाई और दिखावे से सख्त नफरत है। तभी तो हम तीज त्योहार उनकी तरह धूमधाम से नहीं मना सकते, जबकि मैं तो बड़े साहब की पत्नी हूँ। शर्मा जी की मिसेज की बजाय कॉलोनी में सबसे ज्यादा शान शौकत हमारी होनी चाहिए। हमारे बंगले पर सबसे ज्यादा मनोहारी रोशनी सजावट होनी चाहिए, पत्नी ने शिकायती लहजे में कहा। पर ऐसी धूमधाम और रौनक का क्या मतलब है? इंसान की इज्जत तो दिखावे से नहीं, अच्छे व्यवहार और ईमानदारी से होती है, उन्होंने नरमाई से समझाते हुए कहा। ना जी ना, इज्जत तो दिखावे के ताम झाम से होती है। मेरे लिए कीमती साड़ी और बच्चों के लिए सूट बूट तो खरीदने ही पड़ेंगे, पत्नी बोली। लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा, तुम्हारे पास साड़ी और बच्चों के पास सूट बूट की कमी नहीं है। एक दिन के दिखावे के लिए मैं पूरा साल तंगहाली में नहीं जीना चाहता। पति का टका सा जवाब सुनकर उसने नाराज हो चुप्पी साध ली। इस घोर महंगाई के दौर में रुपए सोच समझ कर ही खर्चने चाहिए तनु। कमाई का तो साधन है एक तनख्वाह और खर्चे तो हजार हैं। इस तरह समझाने के बाद वे 2 चम्मच और फुलझड़ी के पैकेट खरीद कर घर वापस आ गए। दिवाली के दिन पूजा के बाद रात को तनु ने बड़ी लालसा भरी नजर से शर्मा जी के घर की ओर देखते हुए कहा, अजी देखो तो शर्मा जी का घर रोशनी से कितना जगमग कर रहा है, जैसे दिन निकल आया है। कितने मस्त मगन होकर वे बच्चों के साथ पटाखों और बमों के धमाके कर रहे हैं। अरे भाई शर्मा जी, आप तो बहुत ही लापरवाही से पटाखे बम चला रहे हैं, यदि कोई चूक हो गई तो रंग में भंग हो सकता है, नवल जी ने उन्हें टोकते हुए जोर से कहा। नवल जी सर डरिए नहीं, आप भी चलाएं पटाखे बम, बेचारे आपके बच्चे कितनी ललक से हमारी आतिशबाजी देख रहे हैं। जोरदार धमाके वाला बम चलाते हुए शर्मा जी ने बड़ी हैंकड़ी से कहा, दिल वाला ही दिवाली की रात को दिन जैसा प्रकाश कर सकता है घर में और आकाश में भी। शर्मा जी ने उन्हें चिढ़ाने की नीयत से कहा और धमाके करने वाले खतरनाक बम भी जल्दी जल्दी चलाने लगे। वे फूलझड़ी से एक बड़ा सा अनार जलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अनार ऊपर की ओर छूटने की बजाय जमीन पर ही फट गया, जिससे उनका चेहरा गंधक के विषैले सफेद धुएं से ढक सा गया। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, चेहरा बुरी तरह से झुलस गया।
वे पीड़ा और जलन के मारे हाय तोबा करने लगे। नवल जी भागते हुए उनके पास पहुंचे और उसी समय डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उनको। शर्मा जी की मिसेज भी रोती हुई साथ चल दी। पीछे रहे उनके दोनों बच्चे जलती हुई फुलझड़ी लेकर कमरे में रखे और पटाखे लेने जा पहुंचे। ना समझ बच्चों की लापरवाही से जलती हुई फुलझड़ी की चिंगारियां पलंग पर बिछी चादर पर पड़ गईं, जिस पर बहु बहुत सारे पटाखे फैलाए हुए पड़े थे। चिंगारी पड़ते ही सभी पटाखे बम बड़ा बड़ की आवाज करते हुए जल उठे। दोनों बच्चे पटाखे के आग लगते ही भयभीत होकर कमरे से बाहर भागे। भागे तो सही, पर फिर भी उनके हाथ मुंह पर कपड़ों पर चिंगारियां पड़ गई। वे जलन और दर्द के मारे रोने चिल्लाने लगे। मम्मी पापा को पुकारते हुए एक कमरे में भड़की हुई आग ने दूसरे कमरे को भी चपेट में ले लिया। जब शर्मा जी के घर से धुआं उठता देखा तो पड़ोसी उनके घर की ओर भाग छूटे। कोई अपने मोबाइल से दमकल विभाग को आग लगने की सूचना देने लगा। कोई बाल्टी भर भर कर कमरों में पानी फेंकने लगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पहुंची। तब तक दोनों कमरों का अधिकांश सामान सुहा हो चुका था। शर्मा जी हाथों और चेहरे की मरहम पट्टी करवा कर लौटे तो घर में लगी आग और चिंगारी पड़ने से जगह जगह से जले दोनों बच्चों को रोते सुबकते देख सदमे में पछाड़ खाकर गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उठाकर एक कुर्सी पर बैठाते हुए तसल्ली देने लगे। हिम्मत रखिए शर्मा जी, शुक्र है कि आपके दोनों बच्चे बच गए, आपकी आंखें भी बच गई। तभी पुलिस की जीप आ पहुंची। शर्मा जी की लापरवाही से वे दुखद आगजनी हुई है। यह बात सुनकर एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें फटकारा और पढ़े लिखे बेवकूफ बताए, एकदम लापरवाह। फिर भी शर्मा जी चुप रहे। उनकी आंखों आगे अंधेरा सा छा गया। धरती घूमती सी प्रतीत हुई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हृदय उमड़ने लगा, आंखें बंद कर ली। तभी कमरों के बचे खुचे सामान को संभालती हुई उनकी पत्नी ने पास में आकर डूबते स्वर में बताया, अजी अपना तो सर्वनाश ही हो गया। आज तो लक्ष्मी पूजा के थाल में सोने चांदी के जो गहने और नोट रखे थे उन्हें तो आग बुझाने के बहाने से कोई लेकर चंपत हो गया। थाल तो खाली पड़ा है। हाय, अब क्या हाल होगा हमारा? हम तो हर तरह से लुट पीट गए। शर्मा जी, आप जैसे दिखावा पसंद और अंधविश्वासी लोगों को पता होना चाहिए कि लक्ष्मी पूजा के थाल में गहने और नोट रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती, न ही घर में आती है। लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती है सत्कर्मों से। नवल जी ने उन्हें उनकी घटिया मानसिकता के लिए धिकारते हुए कहा। नवल जी की खरी खोटी बातें सुनकर शर्मा जी किस मुंह से कैसे विरोध करते? मन में हाहाकार मच रहा था, उनका गला सूख रहा था। संकट में हिम्मत और हौसला रखना चाहिए, कहीं पढ़ा था उन्होंने। सो वे खुद को समझाने लगे, बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। दिवाली पर पटाखों आदि से आगजनी और चोरी की लूटपाट की घटनाएं जगह जगह होती रहती है। फिर भी मेरे जैसे पढ़े लिखे और दिखावा पसंद लोग कर्जा लेकर भी धूम धड़ाके से दिवाली मनाते हैं। खूब आतिशबाजी करना अपनी शान समझते हैं और सावधानी से तनिक भी नहीं बरतते। असावधानी के कारण ही ऐसी दुखद घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। दुखी भाव से शर्मा जी कह रहे थे, लक्ष्मी पूजा के थाल में गहने और नोट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यदि किन्हीं कारणों से घर में आग लग भी जाए तो गहने और नोट तिजोरी या बैंक में रखे रहने से बच जाएंगे। उसके बलबूते पर इंसान फिर संभल सकता है, बर्बादी से उबर सकता है। अब तो आप बीती के कारण शर्मा जी के मन मस्तिष्क और आंखों के आगे अनोखा प्रकाश हो रहा था। तभी तो पास में खड़े लोगों के समक्ष दिखावा
और अंधविश्वास त्यागने का प्रण कर लिया। सौगंध खा ली उन्होंने और नसीहत देने लगे। बंधुओं, लापरवाही से चलाए पटाखों, बमों और अंधविश्वास किसी भी परिवार की खुशियों को दुख और मातम में, बर्बादी में बदल सकता है। दिवाली तो खुशियों का पर्व है। खुशियां समेटिए, खुशियां बांटिए, खूब सावधानी और एकदम सादगी से ही हर एक दिवाली को मनानी चाहिए। कुछ देर चुप रहकर वे फिर आत्मीयता से बोले, मित्रों, आप सभी को अनेकानेक धन्यवाद। मेरी बेवकूफी और लापरवाही के कारण आज आपको भी बहुत परेशान होना पड़ा। क्षमा करिए, यदि सभी लोग पहले ही सचेत रहें तो दिवाली पर होने वाली आगजनी से जान माल की हानि और चोरी आदि की घटनाओं से बचा जा सकता है। चोरी और आग, ये शब्द सुनते ही वहां खड़े लोगों का कलेजा दहल गया। बुरी तरह से भयभीत होने के कारण सभी भागते से नजर आए। अपने अपने घर पहुंचकर तुरंत ही लक्ष्मी जी के आगे थाल में पूजा के लिए रखे हुए सोने चांदी के गहने और नोट उठाकर तिजोरी में रख दिए। पटाखे और बमों को डिब्बे में वापस पैक कर बच्चों की पहुंच से ऊंचे रख दिए। उन लोगों ने एकमत होकर कहा कि आज दिवाली पर शर्मा जी की आंखों आगे जैसा दुखदाई अनोखा प्रकाश हुआ है, ऐसा तो आइंदा किसी के भी नहीं होना चाहिए कभी भी। फिर वे सभी कॉलोनी वालों को सावधान, सतर्क और सजग रहने की ताकीद करने के लिए चलते।